जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 2002 में आया था। बड़ा सिंपल तरीका है, पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। बेटर है डायमेंशनल फार्मूला निकाल लीजिए, वर्क डन यानी एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला और चार्ज यानी करंट इनटू टाइम, इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको बेसिक क्वांटिटीज पता चल जाएंगी जो इसके एक्सप्रेशन में है और फिर आप उनके यूनिट से इसे रिप्लेस कर दीजिए तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल आपको मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट और सिंपली पॉइंट बताओ एट विच पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। तो 2002 और 2016 में रिसेंटली आया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी भी पॉइंट पर डाइपोल के पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा, पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल, यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करना होगा। और अगर सिर्फ एक पॉइंट कहें तो आप मिड पॉइंट भी कह सकते हैं और एनी पॉइंट एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन जब लोकस पूछेंगे तो आपका आंसर होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q4 सच दैट पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो। 2003 का सवाल है और सिस्टम जो आपको दिया गया था वो ये था। जो सिस्टम गिवन था वो देखो बेटा, एक सर्कल के चार पॉइंट्स पर Q1, Q2, Q3, Q4 रखे हुए थे। सर्कल का रेडियस 1 मीटर था और उन्होंने कहा कि अगर सेंटर पर पोटेंशियल जीरो है तो Q4 की वैल्यू बताओ। सिंपल, पहले सेंटर पे चारों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिख लो, डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं है, बस चार्ज साइन के साथ। तो हमने लिखा कि एट द सेंटर पोटेंशियल विल बी ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q3 एंड Q4। वैल्यूज रख ली KQ/R, ठीक। अब उसके बाद हमने कहा कि अगर सेंटर पर पोटेंशियल जीरो है तो इसको सिंप्लीफाई किया, पहले सिंप्लीफाई करके उसे इक्वेट कर दिया जीरो से। तो अब ये वैल्यू हो गई दिस इंटू के, अब के तो जीरो है नहीं, 9×10⁻⁹ वैल्यू है इसकी, 1/4πε0। तो ऑब्वियसली ये टर्म जीरो होगा तो ये प्रोडक्ट जीरो होगा, तो Q4 की वैल्यू इस टर्म को जीरो करके आ जाएगी −14×10⁻⁶। और ध्यान करो कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है अपने बोर्ड कॉपी में, और यहाँ पर आपको पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो KQ/R उसको पहले ही हाईलाइट कर देना है, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 cm, देन फाइंड वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। 2005 का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन का डायग्राम गिवन था वो ये था, ए और बी दो पॉइंट हैं जो एक सर्कल पर हैं, सर्कल का रेडियस उन्होंने दिया हुआ है तुमको 10 cm, ठीक है, और 2 कूलम चार्ज को ए से बी ले जा रहे हैं, तो पूछा है कि वर्क डन कैलकुलेट करो। तो अब इस पॉइंट को यहाँ अच्छी तरह से समझना भी है और इसका एप्लीकेशन सीख लेना है। वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके, जिसकी प्रैक्टिस हमने पिछले क्लास में की है, और दूसरा जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं उसको उन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके, जिन दो पॉइंट्स के बीच उसे मूव करा रहे हैं। वर्क डन का ये एक्सप्रेशन हमने पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में समझा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ए से बी ले गए पॉइंट चार्ज 2 कूलम चार्ज को, तो क्योंकि 5 कूलम चार्ज की फील्ड है और ए और बी दोनों उससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो KQ/R ए और बी दोनों के लिए सेम होगा, यानी पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। तो हमने पहले देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, कि पहले तो हमने फॉर्मूला लिखा VA इक्वल टू VB इतना है, फिर वर्क डन का फॉर्मूला लिखा और उसके बाद फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल्स मेंशन किए और फिर कहा क्योंकि पोटेंशियल्स इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और इसलिए वर्क डन भी जीरो होगा। तो ये हमारा मेथड होगा जिससे हम एग्जाम में इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि इफ चार्ज 2 कूलम बी फर्स्ट
taken from A to P and then P to B. Instead of going through the arc A to B, they are taking it from A to P and then P to B. तो क्वेश्चन था कि इन विच पाथ मोर वर्क विल बी डन. ठीक है, ये सेम क्वेश्चन का पार्ट था. तो अभी से देखो कैसे करेंगे. सिंपल, सबसे पहले ए से बी के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा. जिस चार्ज को मूव किया और जिन दो पॉइंट्स के बीच मूव किया उनका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. ठीक, पी से बी के लिए भी सेम. अब ध्यान से देखो, वी पी माइनस वी ए कैन बी रिटेन एज वी पी माइनस वी बी. क्यों? क्योंकि अभी तो ऊपर देखा था वी ए और वी बी बराबर है. तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम ए से पी जाने के लिए जो वर्क डन है उसे भी वी पी माइनस वी ए की जगह वी पी माइनस वी बी लिख सकते हैं, और पी से बी जाने के लिए तो क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी पी है ही, यानी माइनस क्यू नॉट वी पी माइनस वी बी. तो अब ये टर्म पी से बी और ए से पी जाने के लिए ये जो टर्म है ये तो सेम हो गया. तो अगर आप वर्क डन का मैग्नीट्यूड देखो तो यहाँ भी क्यू नॉट इंटू सेम टर्म, यहाँ भी क्यू नॉट इंटू सेम टर्म, तो ये वर्क डन दोनों ही पाथ में इक्वल प्रूव हो गया. तो हम लिखेंगे कि वर्क डन इन मूविंग टू कूलम फ्रॉम ए टू पी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग टू कूलम फ्रॉम पी टू बी. तो ये होगा हमारे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. 2008 का क्वेश्चन है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इनिशियली विच इज एट रेस्ट बट व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 1000 वोल्ट्स. यानी इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट पर था और उसके बाद वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्सिलरेट करता है, और किस दो पॉइंट के बीच, जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट था. तो बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी उसको गेन होगी. यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हम कहते हैं कि वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तब हम क्या कहते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है. ठीक, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो नहीं है, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है. तो वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच आर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस दिस. सिंपली फॉर्मूला क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर याद हो तो क्लास टेंथ में भी हमने पढ़ा है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वर्क डन. वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा क्यू नॉट जिसको मूव कराया और पोटेंशियल डिफरेंस जिन दो पॉइंट्स के बीच वो मूव करता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस सीधे दिया हुआ है और चार्ज की वैल्यू रख दी. जब ये रख दिया हमने तो हमको इतने जूल का वर्क डन मिल गया. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा सिंपल सीधे सीधे इतना आ गया. 2016 का क्वेश्चन है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट एम टू एन जबकि लेंथ एम एन एल दिया हुआ है, तो वर्क डन कैलकुलेट करो. ठीक है, तो इसका आंसर तो सिंपली जीरो हो जाएगा, सेम लॉजिक से कि क्यू से एम और एन दोनों की पोजीशन इक्वल डिस्टेंस पर है, तो एम पर पोटेंशियल और एन पर पोटेंशियल क्यू की वजह से सेम होगा. तो जिन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा उन दो पॉइंट्स के बीच चार्ज को चलाने पर, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि वर्क डन तो जीरो होगा. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ऑफ एम इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एन, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो. देयरफॉर वर्क डन व्हिच इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो.